आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज के मुख्य समाचार। पंजाबी समाज की बैठक में किया गया संगठन का गठन, मनीष अरोड़ा बने अध्यक्ष। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना सेवा संगठन कर्मचारी संघ के चुनाव हुए संपन्न, श्रीमती सुधा रानी बनी अध्यक्ष। मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत ब्लॉक मुजफ्फराबाद में कराए गए कई जोड़ों के विवाह। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मंडल कार्यालय पर किया गया बैठक का आयोजन, विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। सहारनपुर व्यापार मंडल के नगर कार्यालय पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी को ज्ञापन सौंप कर की फर्जी मुकदमा हटाए जाने की मांग। डॉक्टर अंबेडकर की फोटो हटाए जाने के विरोध में दासू कार्यकर्ताओं ने किया महाराष्ट्र सिंह कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली रोड स्थित एक सभागार में पंजाबी समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पंजाबी संगठन बनाने का निर्णय लिया गया और कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें पंडित राजकुमार भारद्वाज को संरक्षक, मनीष अरोड़ा को अध्यक्ष, सरदार हरमीत सिंह सचदेवा को महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मनीष अरोड़ा ने कहा कि आज पंजाबी समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। सहारनपुर पंजाबी संगठन के नाम से इसमें हम लोग अपने पंजाबी समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी संख्या लगभग 1.25 लाख के आसपास है शहर में, उसके बावजूद हम लोगों को कहीं पूछ नहीं है। सबसे ज्यादा मर्डर हम लोगों के होते हैं, उत्पीड़न हम लोगों के साथ होता है, सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग सरकार को पे कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते सहारनपुर में। तो हमने एक मुहिम छेड़ी है कि हम लोग अपने समाज को एक करेंगे और इसमें कहीं भी किसी का भी कहीं हमें लगता है कि उत्पीड़न हो रहा हो तो सहारनपुर पंजाबी संगठन उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा और उसका विरोध करेगा। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना सेवा संगठन कर्मचारी संघ का आईटीआई में आज चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें श्रीमती सुधा रानी को अध्यक्ष, राजेश करनवाल, उपाध्यक्ष रामपाल को मंत्री व वरुण कुमार को कोषाध्यक्ष पद पर चुना गया। इस दौरान कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। शपथ लेता हूँ कि मैं अपने पद एवं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा तथा संघ द्वारा जो भी उत्तरदायित्व गोविंद राम जी के साथ मिलकर यहां चुनाव संपन्न कराया है। यहां अध्यक्ष पद पर श्रीमती सुधा रानी शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर श्री राजेश कुमार करणवाल जी और मंत्री पद पर श्री श्यामपाल सिंह जी, कोषाध्यक्ष पद पर तरुण कुमार जी को निर्वाचित घोषित किया गया है। और इनसे आप अपेक्षा करेंगे कि संगठन हित में कार्य करेंगे और जो भी समाज में कार्य हमारे कर्मचारी हितों के लिए होंगे उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और प्रदेश उपाध्यक्ष को हमारे सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। प्यारे साथियों, आज का जो चुनाव हुआ है ये चुनाव आगे संघर्ष आगे आने वाला है। 21 फरवरी का जो संसद घेरो कार्यक्रम है उसमें आप पूरी तरीके से आप तैयार रहें और अपने साथियों को तैयार रखें संसद का 21 फरवरी में। और इसके साथ साथ महासंघ के जो भी प्रोग्राम आएंगे आप उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे और कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबकी एकजुटता जरूरी है और एकजुटता में ही हमारी शक्ति है और इस शक्ति को बनाए रखेंगे। धन्यवाद। विकासखंड मुजफ्फराबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज 7 हिंदू व 28 मुस्लिम युवक युवतियों का विवाह संपन्न कराया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्याओं को 10,000 रुपये का अनुदान देने के साथ 25,000 रुपये का सामान व मोबाइल भी दिया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी कृष्णा प्रसाद ने बताया कि इसके बाद 9 फरवरी को जिला स्तर पर सामूहिक विवाह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिंह, राहुल वर्मा, खंड विकास अधिकारी चमन सिंह, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण अर्जुन सिंह राणा, मनीष दत्त, ADO, ISP अनिल गोयल, जमशेद अली आदि मौजूद रहे।
बाद ग्राम बाकरपुर यहाँ आ जाओ दूल्हा दुल्हन दोनों। 29 नंबर आरजू। हकीकत नगर स्थित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मंडल कार्यालय पर मंडल प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि भाजपा का चेहरा बेनकाब करने के लिए किसान, मजदूर, गरीब व महिलाओं की समस्याओं को लेकर 6 फरवरी को जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बैठक में महानगर अध्यक्ष इसरार चौधरी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कुमारी आरती शर्मा, राजकुमार सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने दिशा निर्देश दिया है कि 6 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, किसानों को धोखा दिया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, बेरोजगार नौजवानों को छला जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इन तमाम मामलों को लेकर 6 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी धरने प्रदर्शन करेगी और भाजपा का पोल खोल अभियान चलाएगी। इनका जो चरित्र चेहरा है वो जनता के सामने उजागर किया जाएगा, बेनकाब किया जाएगा। अखिल भारतीय पंजाबी महासभा व उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के तत्वाधान में बुधवार की रात रेलवे रोड पर लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मेयर संजीव वालिया, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष राधेश्याम नारंग, पंजाबी महासभा के जिला संयोजक पंडित धीरज भारद्वाज ने संयुक्त रूप से लोहड़ी को अग्नि दी। इस दौरान काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में पर्व मंडल आज का पर्व लोहड़ी का पर्व अखिल भारतीय पंजाबी महासभा उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के नेतृत्व में हमारे रेलवे रोड स्थित महानगर कार्यालय पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। यह त्योहार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला अध्यक्ष सैयद शकील के नेतृत्व में पुलिस लाइन पहुंचे और एसएसपी से मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैयद शकील ने बताया कि जनपद में झूठे मुकदमे लगाकर आम नागरिकों को जेल भेजा जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिला है। इस दौरान काफी संख्या में अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर में आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और रोज फर्जी मुकदमों में कम से कम 2 दर्जन लोग जेल भेजे जा रहे हैं। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने जिस संबंधित घटनाओं का जिक्र किया उनके थाना इंचार्जों को सख्ती के साथ कहा कि इसको पर्सनल देख लें और इसे ठीक कर लें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करें, और कार्रवाई यदि नहीं होगी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करेगी। अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज महाराज सिंह कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय में लगाई गई डॉक्टर अंबेडकर की फोटो को हटाए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर इस तरह की गतिविधियां फिर की गई तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहब की प्रतिमा जो कि हमने लगाई थी, इन्होंने नहीं लगाई थी, हमने लगाई और अगले दिन फिर इन्होंने जो वर्तमान में ये पदाधिकारी हैं छात्र संघ कार्यालय के, ये छात्र संघ इसमें महाराष्ट्र कॉलेज में है वर्तमान में, इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को साइड में लगा दिया और शुद्धिकरण किया।
रोजाना की न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।